गुड मॉर्निंग वाला फ्रेंड, हमने कल के पीरियड में ये मैथमेटिक्स में जो लेसन है उस लेसन के तीन जो परिच्छेद है वह सीखे थे। अब हम आज के पीरियड में अगले तीन परिच्छेद है वह सीखेंगे। माही समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊ। माही यानी ये मातृभूमि, ये मातृभूमि समुद्र जिसकी पदरज, पद यानी पैर और रज यानी दूर, यानी समुद्र के पानी से हम मातृभूमि की जो पैरों की धूल है वह नित्य नित्य यानी रोज धोना चाहता हूँ। यानी कवि का इस पंक्ति में कहना है कि जो समुद्र है, जो समुद्र के पानी से कवि रोज अपने मातृभूमि के पैर धोना चाहता है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊ, यानी कवि का इस पंक्ति में कहना है कि करता प्रणाम तुझको यानी मैं रोज तुझे प्रणाम करना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने शीश झुकाना चाहता हूँ। मैं वे चरण दबाऊ यानी तुम जो सबके लिए काम करती हो और तुम्हारा जो एक कष्टमय जीवन है उस जीवन में मैं तुम्हारे चरणों की धूल में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे चरण रोज धोना चाहता हूँ और तुम्हारे पैर दबाना चाहता हूँ। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊ यानी तुम्हें मैं प्रणाम करके तुम्हारे चरणों की धूल नित्य रोज धोना चाहता हूँ और तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाऊ। यानी इस परिच्छेद में कवि का कहना है कि सेवा में तेरी माता यानी तुम्हारे सेवा में, हे मातृभूमि तुम्हारे सेवा में मैं भेदभाव तजकर यानी मैं भेदभाव रखना नहीं चाहता हूँ, मैं भेदभाव दूर करके तुम्हारी सेवा में नित्य तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाऊ यानी तुम्हारा जो ये पुण्य नाम है जो तुम सबके लिए करती हूँ, ये मातृभूमि ये तुम्हारा जो पुण्य नाम है मैं प्रतिदिन सुनना चाहता हूँ, यानी रोज मैं तुम्हारा ही नाम सुनना चाहता हूँ और तुम्हें ही प्रणाम करना चाहता हूँ और तुम्हारा ही गुणगान गाना चाहता हूँ। यानी इस पंक्ति में कवि का कहना है कि वह रोज ही भारत माता का गुणगान करना चाहता है और भारत माता की प्रशंसा करना चाहता है। तेरे ही काम आऊ तेरा ही मंत्र गाऊ मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊ। यानी तेरे ही इस परिच्छेद में कवि का कहना है कि तेरे ही काम आऊ यानी तेरे में रोज काम आना चाहता हूँ, तेरा ही मंत्र गाऊ यानी तेरा ही गुणगान गाना मैं चाहता हूँ, तुझे ही प्रणाम रोज करना चाहता हूँ। यानी मेरे जीवन में जो भी है सब कुछ तू ही है, यानी मातृभूमि के अलावा कवि के जीवन में और कुछ भी नहीं है। इसलिए कवि जो है बिस्मिल उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राण तो भी निछावर कर दिए है, यानी प्राण त्याग करने की लालसा कवि के मन में है। तेरे ही काम आऊ तेरा ही मंत्र गाऊ यानी मैं तेरे ही काम आना चाहता हूँ और तेरा ही मंत्र मैं गाना चाहता हूँ। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊ यानी मेरा मन तन देह यानी शरीर, यानी मेरा मन शरीर और तन मैं तुझ पर ही बलिदान करना चाहता हूँ। यानी इस पंक्ति में कवि का कहना है कि कवि देश के लिए अपने सर्वस्व निछावर करने की लालसा कवि के मन में है और कवि देश के लिए अपनी जान तक भी निछावर करने की आस्था रखता है। इसलिए इस पंक्ति में कवि ने कहा है मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊ यानी मैं मेरा तन मन और धन से मैं तुम पर कुर्बान होना चाहता हूँ। इस तरह से इस कविता में कवि ने देश की भक्ति और भक्ति भाव से अपनी अपनी कल्पना वर्णन की है। अब इस तरह से आज हमने जो ये मातृभूमि कविता सीखी है तब अब हम जो ये कविता है ये अभी रीडिंग करेंगे। ये मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊ मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊ। माथे पे तू हो चंदन छाती पे तू हो माला जिह्वा पे गीत हो मेरा तेरा ही नाम गाऊ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊ मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे उस धूल को मैं तेरी जैसी सते चढ़ा।
अपनी तेरे शरण में लाऊं। माही समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। ले मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मैं भक्त भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाऊं। सेवा में नित्य माता मैं भेद भाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा वह पुण्य नाम तेरा। तेरे ही काम आओ तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। बलिदान मैं जाऊं। इस तरह से आज हमने जो ये मातृभूमि कविता है ये कविता पूरी सीखी है। तो आज का ये होमवर्क है आपको कि आपने मैंने जो ये कविता आपको रीड करके बताई है वही कविता आपको आज रीड करनी है और उसका जो पीछे का जो स्वाध्याय है वो कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू।